प्रसाद, माता बारी में प्रसाद दे रहा था, तो हम लोगों ने 70 रुपीज का खरीद के लाया, मतलब 70 रुपीज का। तो अभी हम लोग बैठ के तीनों खाएंगे। ये है तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो देखो मेरा बेटा को मतलब सुबह को उठ के ही इतना परेशान कर रहा था, मतलब बस आके कुल और बोल रहा दुखार जगह दुखार जगह, इतना बोल रहा अभी नहीं नहीं मान रहा था। तो मैंने एक डंडा लगाया, उसके बाद कान पकड़ के पनिशमेंट दिया, मतलब समझने समझा रहा था फिर भी वो समझता ही नहीं है, बस दुखान जाएगा दुखान जाएगा रोना सोना। तो ये है मेरा जाल का बेटा, वो लोग हमारे घर में आए। तो गुड मॉर्निंग तब सबको। तो अब बस अभी हम लोग सो के उठा, उठ के थोड़ा बैठ रहा, उसके बाद तो सारा दिन का काम शुरू होगा। तो अभी उन लोगों भी थोड़ा देख रही हूँ, खेल रहा है दोनों। हेलो, आप सब कैसे हो? आई थिंक अच्छे हो, अच्छे रहो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज है संडे यानी कि फंडे, तो देखते हैं शाम को कहीं जा सकते हैं, जाने का प्लान है। मतलब मेरा हस्बैंड को मैं बोल रहा हूँ ले जाओ ना ले जाओ ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि मतलब बोरिंग ही बोरिंग हो रहा है कुछ दिनों से। तो थोड़ा बाहर जाएंगे तो माइंड भी फ्रेश हो जाएंगे, घर का अंदर में रहने से ये मत करो वो मत करो ये करो बच्चे को लेके, मतलब तो बाहर में निकालने से थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। तो संडे है, फंडे तो करना बनता है, तो देखते हैं सबको कहाँ जाते हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी खाना, जैसे मैं अभी नहा के आयो, खाना बना के खाना खा के सो जाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद जाएंगे। अब बाप रे बाप, 3 दिनों से मेरा ना नींद है ना क्या है, मतलब इतना कफ हो रहा है मेरा, बाप रे बाप। जब भी मैं सोने को लगती हूँ कब आ जाते हैं, जब भी सोती हूँ कब आते, उतने से नहीं आते सोने से आते। ये कफ ना एक्चुअली मतलब रात को ही आते, ज़्यादा वक्त सोते था इनको, इतना गुस्सा आता है कभी कभार। मैं बोलता बस भगवान क्या हो गया है, बस ये इसको बंद कर दो, मुझे नींद आ जाए नींद आ जाए नींद आ जाए। तो गाइस देखो मेरा बेटा और मेरा जाल का बेटा दोनों खेल रहा है। वो सुबह को उठ के इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, सब लोग बोल रहे हैं क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है। एक्चुअली वो मेरा बेटा को ढूंढ रहा था, मेरा बेटा को देख के इतना बड़ा स्माइल लेके खेल रहा है, अभी खेल रहा है, उसको भी इंसान चाहिए होते खेलने के लिए। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो अभी जाएंगे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो संडे को तो पांडे बनाना जरूरी है। तो कल से तो स्कूल होने वाले, तो आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी निकलेंगे। तो गाइस हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग माताबारी पे आया, माताबारी पे थोड़ा मेरा काम भी था, तो वहाँ पे धूप जलाएंगे थोड़ा सा। तो मेरा बेटा बोल रहा है वो पैसा दो ना जो पैसा मांगता। तो मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका पास कॉइन्स था, तो बोला था मेरा कॉइन्स दो क्या दो, मैंने बोला चलो दे दो। तो फिर जा रहा था देने के लिए, फिर बोलते नहीं मेरा कॉइन्स देने से तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, नहीं दिया। तो अभी हम लोग धूप सूप जला के नीचे नाम रहे, तो अभी जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। मेरा हस्बैंड लाने गया प्रसाद, आज माताबारी में प्रसाद दे रहा है। तो अभी निकली हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे सबका, मतलब तीनों का, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फाइनली रेलवे स्टेशन का रोड पे हम लोग पहुँच गए। ये है रेलवे स्टेशन का रोड, चारों तरफ मतलब कैट कैट करती है एंड बीच में रास्ता है, बहुत ही मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे आने से, मतलब अलग ही एक माइंड होता है। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन का रोड में बैठ बैठ के प्रसाद खाएंगे, माता बारी गए थे तो वहाँ से प्रसाद दे रहा था सबको, तो हम लोगों ने भी लाया 70 टका नहीं, तो हम लोगों ने 70 रुपीज़ का खरीद के लाया, मतलब 70 रुपीज़ का। तो अभी हम लोग बैठ के तीनों खाएंगे। ये है प्रसाद, सब कुछ मिक्स है। आपको खाना है? बैठ जाओ तुम, नहीं खाना है क्यों? कहाँ के चुका? पहले बार खा रही हूँ, कभी खाया नहीं। ये बाबा उठले मारो उठले फाड़े लम उठले फाड़े लम
उतरता ना बोए बोए जाए कुछ ऐसा करो पाता पाता लागो कुत्ते तो ना कुत्ता लगता है तो कुत्ता लागो कुत्ता लग जाए बाहर। तो गाइस प्रसाद काके हो गया है कंप्लीट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। तो गाइस हम लोग पहुँच गया है एकदम रेलवे स्टेशन के स्टेशन पे हम लोग बैठ रहे हैं। तो देखो नज़ारा इतना सुंदर, चारों तरफ कैट कैट, बीच में रेलवे स्टेशन, मतलब ग्रेनी ग्रेनी देखने से ही मतलब दिल को फ्रेश होता है। तो मेरा बेटा अभी बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहा है, कल से तो स्कूल शुरू होने वाला है उसका। तो गाइस हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया, तो इतना नज़ारा सुंदर लग रहा है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है। तो थोड़ा सा बाहर निकालने से माइंड अलग होता है, हमेशा ही मैं बोलती हूँ, तो कभी कभार बाहर निकाला करो, क्योंकि इतना माइंड फ्रेश होता है लोगों को देख के। घर में रहो तो चिल्ला चिल्ली बेटा ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, मतलब सारा दिन तो चलते रहेगा, मतलब सारा दिन क्या सारा साल ही चलते रहेगा। कभी कभार बाहर आने से मतलब ऐसा लगता है कि वाह, लोगों का टेंशन ही नहीं है बस हमारा ही टेंशन है ऐसा लगता है। तो गाइस ये रेलवे स्टेशन कम ज़्यादा पार्क लगता है, मतलब रेस्ट हाउस जैसे कि टूरिस्ट प्लेस होते हैं वैसा लगता है ज़्यादा। तो माताबाड़ी से हम लोग डायरेक्ट गया माताबाड़ी सब्जी बाज़ार में। देखो ये मिर्ची बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का है, क्या पता नहीं क्या मिर्ची है। तो ये है मेरा हस्बैंड का दोस्त जो ड्राई फिश का दुकान है उसका। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं चिल्ली एंड क्या बोलते हैं कीरा कुकुम्बर। तो यहाँ से हम लोग कुकुम्बर लिया 1 किलो का 40 रुपीज़ है, हमारे राजारबाग में है 50 रुपीज़। तो ये वाला मिर्ची है हम लोग का मेन ट्राइबल का जूम का मिर्ची है, मुझे देख के ही प्यार हो गया तो मैंने ले लिया। एंड ये वाला बॉम्बे मुरीस मैंने पहले बार त्रिपुरा में देखा, नहीं तो त्रिपुरा में नहीं होते। तो देखो ये है स्नेल, तो मैंने स्नेल लिया क्योंकि स्नेल से वो बैंगन पका वाला बैंगन मैंने लाया, पका वाला बैंगन से बनाऊँगी, आप लोग भी देखना, आप लोग भी खा सकते हो, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। गाइस माताबाड़ी से आते टाइम सब्जी लिया, सब्जी लेके अभी टाउन पे आया इसलिए मुझे मिस्टर कपूर लेना था। तो ये है मिस्टर कौशिक का दुकान पे, मिस्टर कौशिक जो हमारे डॉन बॉस्को का कॉन्ट्रैक्टर जो सब प्रोग्राम का वही बनाता है कपड़ा। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे टाउन से, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है, मतलब इतना काला वेदर कर रहा है, तो जल्दी से फटाफट से जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, तो मेरा पिता को मैंने रेनकोट पहना दिया। तो अभी जाएंगे, मैंने जो लेना था वो भी ले लिया है। तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। बोला स्नेल लिया 50 रुपीज़ में, कुकुम्बर लिया एंड मिर्ची लिया एंड ये करेला का साग है जो मेरा फेवरेट है। तो आज का खाना बहुत ही मज़ेदार होगा। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गया है, मेरा वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल में न्यू है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।